दोस्तों अगर आप भी अपने WhatsApp को ऑन करते हो, आप अपने नेट को ऑन करते हो, WhatsApp पे जो भी चीज़ आती है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है, चाहे PDF हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, PDF फोटो वगैरह कुछ भी हो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाता है। तो दोस्तों WhatsApp की ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग को आप किस तरीके से बंद कर सकते हो स्मार्टफोन से ही बिल्कुल विदाउट किसी एप्लीकेशन के, तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है तभी आप ये सेटिंग को अप्लाई कर सकते हो। हेलो नमस्ते, मैं विमलेश आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल विमलेश से स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि WhatsApp की जो ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग प्रॉब्लम है, यानी कि फोटो ऑडियो वीडियो कुछ भी है PDF, वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है आप जैसे ही नेट को ऑन करते हो। तो अच्छे से उस इस वीडियो को आप देख लीजिए, कभी भी ये आपके फ़ोन में नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए हम बंद करते हैं ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग WhatsApp की। दोस्तों उससे पहले जान लीजिए मैं हूँ चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया तो जल्दी से दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं बताते हैं। दोस्तों उसके लिए आपको अपने जाना होगा WhatsApp में। WhatsApp में जाओगे दोस्तों आपको 3 डॉट मिलेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाओगे दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे कि ऑप्शन स्टोरेज एंड डाटा का, अकाउंट चैट नोटिफिकेशन जस्ट 4th नंबर पे, इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करोगे यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया ऑटो डाउनलोड, यहाँ पे व्हेन यूज मोबाइल डाटा, इस पर आपको टैप करना है। ये ऑप्शन आप किस तरीके से लगे होंगे और ओके होंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, यानी आपको हटाना है, इस तरीके से हटा के ओके करना है। यहाँ पे आपको वाईफाई से करते हो तब भी आपके डाउनलोड हो जाते, तो ये भी सेटिंग आपको हटा देनी होगी, ठीक है, इस तरीके से। अब आप रोमिंग में भी, अगर आप रोमिंग में भी डाटा यूज़ करोगे तो ये देखो इस तरीके से आ जाएगा, तो आपको ये भी इस तरीके से हटा देनी होगी, ओके कर देनी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये देखो यहाँ पे कर दोगे, अब आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग बिल्कुल रुक गई होगी WhatsApp की, जो भी ऑटोमेटिक डाउनलोडिंग है PDF वीडियो वगैरह जो भी थी, फोटो वगैरह मीडिया का कोई भी चीज़ थी, वो इस तरीके से बंद हो चुकी, ऑफ हो चुकी होगी, टर्न ऑफ हो गई होगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी अब। तो दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।